हाय गाइस, दिस दर्शन खरे रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम वाओ क्लास डॉट कॉम एंड एकत्वम एकेडमी। एंड कल आपका रिजल्ट था 10 तारीख को, एंड दिस वीडियो इज रिगार्डिंग रिजल्ट फॉर फॉर्चुनेट स्टूडेंट्स एज वेल एज अनफॉर्चुनेट स्टूडेंट्स। एंड कल का रिजल्ट बहुत अच्छा था। इंटर में नियरली 5-6 रैंक्स है, फाइनल में 8-10 रैंक है, और इस बार फाइनल का AIR 1 हर्ष चौधरी इज हैज लर्न फ्रॉम मी। हालांकि रैंकर्स का क्रेडिट मैं नहीं ले सकता, हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, सब जगह उनके बारे में बता सकते हैं, पर क्रेडिट नहीं ले सकते क्योंकि मैं मेरे जीवन में खुद रैंक नहीं ला पाया, तो मैं और AIR 1 इज बिग थिंग, तो मैं खुद नहीं ला पाया तो मैं उनका क्रेडिट भी नहीं, बट ऑब्वियसली हम उसको सेलिब्रेट जरूर करेंगे, सब जगह हम उसको बोलते हैं। बट मैं इन सभी, फर्स्ट ऑफ ऑल इन सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने कल बहुत अच्छे मार्क्स लाए, जो पास हुए, उनको बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, उनको बहुत बहुत बधाई। और हर CA का स्टूडेंट खुद के लाइफ में ये अचीवमेंट देखे, ये मैं सबके लिए दुआ देना चाहूँगा। ये पास होने की अचीवमेंट, रैंक लाने की अचीवमेंट, आपकी कैपेबिलिटीज के बाहर जाके बहुत अच्छा स्कोर करो, ये अचीवमेंट, मैं सबको ये अचीवमेंट मिले इसकी दुआ देना चाहूँगा। बट एट द सेम टाइम जैसे रिजल्ट अच्छे आते हैं, इन CA रिजल्ट अनफॉर्चुनेट भी आते हैं। एंड आई नो कि बहुत सारे लोगों के रिजल्ट अनफॉर्चुनेट आए हैं बिकॉज CA का फेलिंग परसेंटेज ही बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनमें काफ़ी करेज था, कि जिन्होंने मुझे एग्जम्पशंस बताए, बट ओवरऑल उनका ग्रुप नहीं निकल पाया, किसी सब्जेक्ट में फेल हुए, बट दे आर हैप्पी टू कम्युनिकेट कि नहीं सर, लॉ में एग्जम्पशन आया है। एंड मैं उनके करेज की दाद देता हूँ, क्योंकि फेल होने के बाद में भी ये चीज़ कम्युनिकेट करना है, इट्स वेरी मेसमराइजिंग थिंग फॉर मी। मतलब ये मैं बहुत सराहता हूँ और ये चीज़ों को मैं बहुत ध्यान में भी रखता हूँ। एट द सेम टाइम जो लोग अनफॉर्चुनेट रहे, ऑब्वियसली आज से आप बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस देखोगे बहुत सारे लोगों के, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम के, जो सब आपको इंस्पायर करने की कोशिश करेंगे, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एवरीवन जो आपको इंस्पायर करने का काम कर रहा है, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, और मुझे लगता है ये सब ने करना चाहिए। एज CA में फेलिंग परसेंटेज ज़्यादा होता है, तो देर इज़ मोर नीड ऑफ द पीपल जो तुम्हें सहारा दे के तुम्हें उठा पाए, आपको कंधा दे के आपको सही राह पे वापस लगा पाए। अगला 2-3 मिनट का डिस्कशन मैं सिर्फ इसलिए करना चाहूँगा, देखो आपको बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे, और अच्छी बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे, जिससे आपके लाइफ में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव फर्क पड़ेगा। तो मैं सिर्फ ये 2-3 मिनट का वीडियो इसलिए आपको मेंशन करना चाहूँगा कि कृपया आप इन सभी इंस्पिरेशनल वीडियोज़ को देखिए। जो लोग अनफॉर्चुनेट रहे हैं, उनको एटलीस्ट अगला एक हफ्ता, दिस वन वीक, उन लोगों के लिए इट इज़ वेरी नेसेसरी कि वो एक पॉजिटिव एटमोसफेयर अपने आजू बाजू में बनाए रखें। आई नो कल आपका जब रिजल्ट आया होगा और आपने अनफॉर्चुनेटली फेल देखा होगा मार्कशीट पे, तो आई कैन अंडरस्टैंड योर इमोशन, क्योंकि मैं भी फेल हो चुका हूँ, फाइनल में फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो चुका हूँ, तो मैं एग्जैक्टली आपके इमोशन समझ सकता हूँ। ऑब्वियसली कल आपने किसी से बात नहीं किया होगा, इवन घर वालों से भी आपने बहुत कम बात किया होगा, दोस्तों से भी आपने बात नहीं किया होगा, आप कहीं एक अकेलेपन में, थोड़ा सा सेक्लूडेडनेस में जाने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि दिस थिंग्स, दिस टाइम, दिस वर्ल्ड, या ये एग्जाम, इवन ये कोर्स आपके लिए नहीं बना है, आपको ये थॉट प्रोसेस आ रहा होगा। मेरे भी दिमाग में थॉट प्रोसेस आता था, आपको सब चीज़ें अगेंस्ट आपके ही लग रही होगी, आपको ये लग रहा होगा कि यार जिस घर में आप 20 साल से रह रहे हो वो घर आपका नहीं है, या जो लोग को आप अपना समझते हो शायद लोग आपके नहीं हैं, जो फ्रेंड्स को आप अपना समझते हो शायद वो फ्रेंड्स आपके नहीं है, उसमें भी कोई अगर फ्रेंड CA पास हो गया है तो शायद वो फ्रेंड आपका नहीं है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सब चीज़ें आपके खिलाफ निगेटिव है, द वर्ल्ड इज़ वर्किंग इन निगेटिव वे विथ यू। मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ बुरा समय है, दिस इज़ जस्ट अ रॉन्ग टाइम और अ बैड फेज, जो आपके लाइफ का एक छोटा फेज है, और एक छोटा फेज 6 मंथ्स का ये नहीं डिसाइड कर सकता कि अगली 60 साल की लाइफ आपकी कैसी रहेगी। अगर आप ये 6 मंथ्स में डिसाइड कर रहे हो कि अगली 60 साल की लाइफ आपकी कैसी रहेगी, तो फिर तो बहुत मुश्किल है, फिर तो ऐसे कोई भी 6 मंथ्स आएंगे और आपके ऊपर टोल लेके जाएंगे, आपको लाइफ में पटक के जाएंगे और आप वापस उठ नहीं पाओगे। तो दिस 6 मंथ्स आर वेरी क्रूशियल गाइस, प्लीज डू अंडरस्टैंड, दिस 6 मंथ्स आर वेरी क्रूशियल। आपको हर चीज आपके खिलाफ लगेगी, फैमिली, फ्रेंड्स, आपकी पढ़ाई, इवन ये कोर्स भी आपको आपके खिलाफ लगेगा। एक थॉट दिमाग में ये आ रहा होगा कि कहीं मैं गलत कोर्स में तो नहीं आया, हालांकि आप एक ही बार फेल हुए होंगे, मैं भी एक ही बार हुआ था, पर एक बार फेल होने के बावजूद भी मेरी बात दिमाग में ये थॉट आया था कि कहीं मैं गलत कोर्स में तो नहीं आ गया, कहीं ये कोर्स मेरे खिलाफ तो नहीं है, ये जरूर आपके दिमाग में थॉट आया होगा। एंड ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, तो मैं आपको मेंशन करूंगा कि अगले 1-2 हफ्ते तक के खुद के आजू बाजू में पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाए रखें। आप
जितने वीडियोस YouTube पे अच्छे टीचर्स के देख सकते हो जो आपको मोटिवेट करे, डजंट मैटर कौन सा टीचर, इवन माय कॉम्पिटिटर्स ऑल्सो, अगर वो भी आपको मोटिवेट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाए रखें। आप चाहो तो आपके एप्लीकेशन के ऊपर, सॉन्ग एप्लीकेशन के ऊपर आप एक मोटिवेशनल सॉन्ग की प्लेलिस्ट रख सकते हो। मैं मेरे मोटिवेशनल सॉन्ग्स की एक प्लेलिस्ट आपके सामने रखना चाहूंगा। इस वीडियो के नीचे लिंक में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, स्पॉटिफाई का प्लेलिस्ट है। सो वो मोटिवेशनल सॉन्ग का प्लेलिस्ट आप सुन सकते हो, बार बार सुन सकते हो, जिससे आप एक पॉजिटिव वाइब आपके आजू बाजू में क्रिएट करके रखो, बिकॉज दिस इज नीडेड। और जो लोग अभी फेल हुए हैं, आई वॉन्ट टू टेल देम कि दिस सिक्स मंथ्स कैन नॉट डिसाइड एनीथिंग एंड जस्ट हैंग ऑन। बुरे समय में आप सबसे अच्छी चीज एक कर सकते हो, आप हैंग ऑन कर सकते हो। इसके लिए मैं एक छोटा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। कल ही एक स्टूडेंट का कॉल आया था। उसको CA इंटर में नियरली 7 to 8 attempts लगे। मैं उसका इंटरव्यू जल्दी ही YouTube के ऊपर रिकॉर्ड करूंगा। उसको 9, मेरे को बिकॉज ऐसे इंटरव्यू मुझे ज्यादा पसंद आते हैं जिनको 10-15 अटेम्प्ट लगे बट स्टिल दे हैव क्रैक थ्रू। उसको 8-10 अटेम्प्ट आई गेस लगे होंगे और वो इतना इंटर में 8-10 लग गया। हालांकि फाइनल उसका फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप बहुत जल्दी क्लियर हो गया और अभी CA बन गया। कल वो CA बना, फाइनल उसने एक अटेम्प्ट में एक ग्रुप दिया पास हो गया, दूसरे अटेम्प्ट में दूसरा ग्रुप दिया पास हो गया। CA इंटर में उसने 8-10 अटेम्प्ट दिए और 8-10 अटेम्प्ट देने के बाद भी वो अनफॉर्चुनेट रहा था। मैं उसका जल्दी ही YouTube पे इंटरव्यू लूंगा। अगर ऐसे करेजियस लोग अपने आजू बाजू में घूम रहे हैं तो हमें कोई हक नहीं बनता बेटा कि हम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी भी चीज को छोड़े। एक और चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा निगेटिविटी के लिए, कि आपको ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ है, दोस्त आपके खिलाफ है, लोग आपके खिलाफ है। मेरा एक फ्रेंड है, मैं अभी अमरावती में हूं तो मेरा एक उस दोस्त के बारे में मैं बोल सकता हूं। मेरा एक फ्रेंड है अनूप करके। सो जब हम CA इंटर पास हुए थे, अनफॉर्चुनेटली वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स है, तो हम जब CA इंटर पास हुए थे तो अनफॉर्चुनेटली वो CA इंटर फेल हुआ था। और अनफॉर्चुनेटली जब वो CA इंटर फेल हुआ था, एट दैट टाइम मैंने देखा है ऐसे अच्छे दोस्तों को कि इवन दो ही इज फेल, मतलब मेरे जस्ट एक दो मिनट पहले या बाद में उसने रिजल्ट देखा होगा वो फेल था, बट ही हैज सच अ अमाउंट ऑफ करेज कि वो हमारे उस दिन के पूरे सेलिब्रेशंस में इन्वॉल्व रहा इवन आफ्टर बीइंग फेल्ड। ये बहुत बड़ी चीज है। सो अगर आपके दोस्त पास हुए हैं तो ठीक है, इट्स ओके, आप फेल हुए, अनफॉर्चुनेट हो, ठीक है, बट ऐसा करेज कहीं से लाना ये बहुत बड़ी बात होती। वो मतलब ऐसा सिचुएशन था, हम पास हुए, हमारे घर तक वो आया, हमारे घर पे उसने डांस वांस किया, सेलिब्रेट किया, एंड इट बिकम्स, वो चीज़ अभी भी मेरी मेमोरी में ताज़ा है। तो जब वो पास हुआ तो ऑब्वियसली हम भी उसके सेलिब्रेशन में बहुत इन्वॉल्व हुए थे। बट दिस इज हाउ यू शुड लिव द लाइफ। ठीक है, निगेटिविटी है, सब चीज़ें निगेटिव लगेगी, पर ये एकदम से सब पॉजिटिव नहीं होगी। यू हैव टू गिव योर टाइम। तो एक पॉजिटिव वाइब खुद के आजू बाजू में बनाइए, पॉजिटिव लोगों से बात कीजिए, कंसिस्टेंटली ऐसे वीडियोस देखिए, सभी टीचर्स के देखिए जो आपको इस प्रकार मोटिवेट कर सकते हैं। कंसिस्टेंट आप मोटिवेशनल सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट सुनिए, एंड व्हाट इज मोर नेसेसरी कि आप वापस ट्रैक पे आ जाइए पढ़ाई के। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, ये सब चीज़ें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप पढ़ाई पे ट्रैक पे वापस आ पाओ। कुछ नहीं करना है, आपने बुक्स उठानी है, बैग उठानी है, लाइब्रेरी जाना है, या आपने स्टडी प्लेस पे जाना है, बुक खोलना और बैठ जाना है पढ़ते हुए। ठीक है, मैं मानता हूं, मैं जानता भी हूं कि अगले 1-2-3 दिन तक कोई पढ़ाई नहीं होगी, बट आप टाइम सेट करके रखिए घड़ी में कि मैं 3 घंटा बैठूंगा, 3 घंटे के बाद ही उठूंगा, या 2 घंटा बैठूंगा, या 1 घंटा बैठूंगा, एज पर योर कैपेबिलिटी। शुरुआत करना जरूरी है, बिगिनिंग इज हाफ डन। सो क्योंकि ऑलरेडी आपने आधे से ज्यादा तो पढ़ाई कर दी है, तो एक्चुअली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये प्रोवर्ब बहुत काम में आएगा, बिगिनिंग इज हाफ डन। सो अगर आप अभी शुरू भी करते हो तो आपका आधा प्रॉब्लम टैकल हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टडी शुरू करना मतलब आपने खुद को इमोशनली टैकल कर लिया, आपने खुद को मेंटली टैकल कर लिया, आपने खुद को बॉडी वाइज टैकल कर लिया, आपने खुद को एनर्जी वाइज भी टैकल कर दिया, और ये चेंज आप ही खुद आपके अंदर ला सकते हो। तो बिगिनिंग इज हाफ डन। अगर आपने ये शुरू भी कर दिया ना, तो हैट्स ऑफ टू यू गाइज कि अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में भी आप स्टडी टेबल पे जाके अगर बैठ सकते हो तो तुम CA बनते हो और बन सकते हो। तुम CA जरूर बनोगे अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फेल होने के बाद भी आप स्टडी टेबल के ऊपर जाके बैठ सकते हो। अभी फेल होने के बाद भी आप लाइब्रेरी में जाके बैठ सकते हो तो तुम CA जरूर बनोगे, क्योंकि CA बनना इट्स नॉट अबाउट तुम धन पास हो जाओ। CA बनना इट्स अबाउट बहुत बार आप गिरिए और वापस से खड़े हो जाइए। हम भी खड़े हुए हैं, हमने भी मेहनत की है, और हम हमारे एक्सपीरियंस से ही आपको बोल रहे हैं। बहुत अच्छी स्टोरी आपकी बन सकती है। आई नो अभी आपकी स्टोरी कोई सुनेगा नहीं, आपका दुख कोई सुशायद सुनेगा नहीं, पर मैं जरूर सुनूंगा, मैं समझूंगा भी, बट एट द सेम टाइम मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा इस दुख भरे स्टोरी को सक्सेस स्टोरी में भी आप ही बदल सकते हो। मैं जब फेल हुआ था तब वो दुख भरी स्टोरी थी, बट आज इतना सब अचीव करने के बाद में आज वो सक्सेस स्टोरी है, एंड आई होप सो
एंड आई होप सो कि यही आपकी थोड़ी सी सैड स्टोरी आपके सक्सेस स्टोरी में बहुत जल्दी चेंज हो जाए, ठीक है। मेरी ये ब्लेसिंग है, मेरी ये दुआ है आप सबके लिए कि मेरी ये आपके लिए एक विश है कि आपकी ये सैड स्टोरी सक्सेस स्टोरी में बदल जाए। टू रीकैप कुछ 5-6 पॉइंट्स, फर्स्ट पॉजिटिव वाइब बनाइए, पॉजिटिव लेक्चर्स देखिए, पॉजिटिव मोटिवेशनल वीडियोज देखिए, एक वाइब बनाइए। सेकेंड, एक मोटिवेशनल प्लेलिस्ट बनाइए खुद की, मैं नीचे शेयर करूंगा मुझे जितने सॉन्ग्स पसंद है, नेसेसरी नहीं आपको पसंद आए, थोड़ा सा स्पिरिचुअली मेडिटेशन योगा वगैरह ट्राई कीजिए जिससे आपका माइंड बॉडी एनर्जी थोड़ा लिंक में आ जाए। थर्ड, स्टडी टेबल पे जाके बैठिए, बिकॉज वर्किंग ऑन द ग्राउंड विल गिव यू लिमिट टिल स्काई, सो प्लीज गो ऑन योर स्टडी टेबल एंड प्लीज स्टडी। फोर्थ, एक मेंटली खुद का पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना है, तो सूर्य उठते से ही खुद को 5 times ये बोलिए कि मुझे एक एग्जाम में क्रैक करना ही है, रात को सोने के पहले 5 times ये बोलिए, एंड एवरी टाइम दिन में जब आपको याद आता है तो खुद को मेंटली और इमोशनली प्रिपेयर कीजिए कि दिस टाइम आई हैव टू क्रैक। ये 5th टिप। और लास्ट टिप, खुद के मेंटल हेल्थ का, बॉडी का, माइंड का और इमोशन का ध्यान रखिए, ठीक है। आपकी फैमिली आपके साथ है, आपके टीचर्स आपके साथ है, अभी यहाँ से हेल्पफुल वीडियोस एग्जाम तक के कंसिस्टेंटली हम आपको देते रहेंगे, सो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। बेस्ट ऑफ लक गाइस, वी आर टुगेदर विथ यू, एंड ऑल दोज रैंकर्स फ्रॉम AIR1 टिल एवरी सिंगल पर्सन हु हैज टुक अ गुड मार्क्स एंड पास्ट, सबको बहुत 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 बधाई। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई ट्रस्ट इन यू, यूर टीचर ट्रस्ट इन यू, और याद रखना तुम्हारा टीचर भी एक बार फेल हो चुका है, अगर तुम्हारा टीचर भी एक बार फेल होके सक्सेसफुल हो सकता है तो तुम तो जरूर हो सकते हो। Thank you so much. Good day. God bless you. Take care, guys.